मैं बड़ोड़ा में हूँ मोहम्मद कैफ के साथ एट हिज रेसिडेंस। ये खुद बकरों का शौक करते हैं, ही कॉल्स इट के गोट्स, एंड इनका फार्म भी खुलने वाला है बहुत जल्द, एंड ही हैज कंसेप्चुअलाइज्ड ब्यूटीफुल फार्म, अ वेरी बिग फार्म एज वेल। क्या बता रहे हो अभी, अपने शौक के बकरे बता रहे? जी भाई, अपने शौक के बकरे, घर के बकरे। और ये बकरा है भाई, इसको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए हार्ट शेप है, हार्ट बना हुआ है भाई। ये नेचुरल है भाई, ये खुद से मैं बनाया हुआ नहीं हूँ। नहीं बना भी कैसे नहीं सकते जी भाई, और ये इतना नेचुरल है कि कोई दूसरे भी देखेगा तो बोलेगा कि जी भाई ये हार्ट पड़ा है। ये भाई 40 की हाइट पे बच्चा है, 40 की हाइट है, 40 की हाइट है, 6 दांत पे भाई है। अच्छा, 6 दांत के अलावा और क्या क्या खिलाते हो इसको? यही वही जौ, घोड़ा जीरा, ये मोहब्बत है भाई। सोली, पीटर इंग्लैंड? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, जाओ घोड़ा जीरा और अपने okay. इसका गेहूं देता हूँ मैं, और ब्रोटन और हिमालय बत्ती सा। ओके, कितना किलो पे होगा आपने? 80-85 के आसपास रहेंगे, 85 हाइट के हिसाब से भाई। 40 हाइट यू आर सेइंग एंड 80-85 केजीस है जी भाई। तो क्या इम्प्रूवमेंट आई है, कब लेके आए थे, कितने किलो पे लाए थे? भाई लिया था तब तो वेट नहीं किया था मैं, फिर भी अंदाजन कितने का होगा? अंदाजन भी मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे। समय हो गया को एक साल हो गया। और ये हमारे उस्ताद, इन तीनों के नाम नहीं रखे हो ना आपने? एक्चुअली ना हम घर में इनको सिंह वाले बोलते हैं, सिंह वाले हाँ, ये सिंह वाले, और इसको बोड़िया बोलते हैं, सिंह वाले, ये मुंडा है, बोड़िया बोलते हैं इसको, बोड़िया। ये ना सबसे, और भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी की जो बोलते हैं ना, गुलाबी है ये वाइट खुर में भाई, ये सफेद खुर है, सफेद खुर है। और ये कितना होगा, 75 केजी होगा? आराम से भाई, आराम से। क्या मजा आता है सूरत बकरे पालने में भाई? अभी आप ही देखो ना इनकी खूबसूरती, इजीली बन जाते हैं, ज्यादा इजीली बन जाते हैं, मगज मारी नहीं, थोड़ी खूबसूरत बकरे रहते हैं भाई। ये दूर से कोई देख के बोले खस्सी बनाना इज नॉट अ यू नो बिग थिंग, बनते ही है खस्सी भाई। मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, बात है, नहीं नहीं खस्सी में भी भाई मेहनत लगती है, ऐसा नहीं रहता है। इनको टाइम तो इनका जो डिवॉर्म रहता है और ब्रोटन वगैरह, जो लीवर टॉनिक वगैरह रहते हैं, उनको टाइम टू टाइम देना पड़ता है भाई। और नहीं देते तो बकरे टूटते हैं, खस्सी भी मैं देखा हूँ टूटते बकरे हैं। बट आफ्टर सर्टेन वेट बढ़ाना डिफिकल्ट हो जाता होगा। हाँ, आफ्टर सर्टेन 100 कोर्स कर दिया बकरा, उसके बाद आप 125 पे ले जाना, इसको तकलीफ में आ जाता है बकरा। तो अभी क्या दोगे इसको, तो 125 तक के जाएगा, वही तो आपको लगता है भाई? 100 इंशाल्लाह भाई, है नहीं, 100 अपना बहुत बढ़ानी एम है। तो क्या दोगे इसको, ऐसा नहीं भाई, जो अपना डाइट चलता है वही डाइट, वही घोड़ा जीरा और चने 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 ओके, चने से भी ना भाई बकरा चमक पकड़ता है, चने से भी पकड़ता है। अरे देखो इसके अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बगल बाजू बोलते हैं वो भी बहुत अच्छी खुली है बकरे की, माशाल्लाह बहुत तीनों फिट है बकरे जी भाई। और इसकी झालर भी है भाई, यहाँ पे इसकी जो झालर दे रहे, ये है इनके दो सिंह वाले बकरे हैं और एक बोड़ा है, एक बोड़ा बकरा, बोड़ा है, बोड़ा है गुजराती में, क्या मुंडा, मुंडा मुंडा को बोड़ा बोलते हैं, बोड़ियो गुजराती में। कभी बीमार पड़े आपके बकरे अभी? हाँ भाई। क्या बीमारी होती है जब? रसोली और सर्दी, रसोली जो बोला है, रसोली फोड़ा हो जाता है भाई मुंह पे, वो फूटता है, उसके लिए ना भाई डॉक्टर को मैं बुलाया था, वेटरनरी डॉक्टर विजिट करता है, डॉक्टर विजिट करता है, अपना पर्सनली डॉक्टर है, घर पे ही आते हैं विजिट करता है, और दर महीने एक महीने में 3-4 बार आके देख के जाते हैं बकरे को। अभी इसकी खुर देखो आधी उखड़ी है, तो खुर मुर कौन काटता है? जैसे वो खुर आते हैं भाई काटने वाले, वो भी कटी नहीं है इसकी खुर। ओके, तो सब मेंटेनेंस के लिए रखे हुआ लगा? हाँ सब है, सफाई के लिए भी एक बंदा आता है, खुर काटने के लिए आता है, और सफाई के लिए तो सुबह में ही आता है, एक ही टाइम आता है, शाम में तो मैं खुद ही सफाई कर लेता हूँ सारे बकरों के और जानवर के, खाने के टाइम पे सफाई करके और खाना देता हूँ बकरों को। तो क्या चैलेंज आपको लगता है यहाँ पे बकरे पालने में, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस भाई? और कैसे अकेले नहीं कर सकते आप, स्टाफ चाहिए बड़ा, जनरली मैं बात करूंगा स्टाफ बड़ा चाहिए, एक एक दो लोग से नहीं होंगे, नहीं होता, 20 जानवर भी पालना मुश्किल रहता है, छोटी सी जगह की बात कर रहा हूँ, बड़ी जगह नहीं, छोटी सी जगह पे 20 जानवर भी डिफिकल्ट को बोलता है। हाँ जगह, क्योंकि भाई जब साफ सफाई करते हैं, एक बंदा मैं करता हूँ साफ सफाई रात को इनका, मैं बहुत थक जाता हूँ, 45-40 मिनट्स लगते हैं मेरे को, दो हाँ दो केजी से,
30 बकरे के लिए भी दो लोग कम पड़ेंगे, ऐसा है, कम से कम छोटी जगह में, बड़ी जगह होती है तो कोई इश्यू नहीं आता। ओके ओके। और खाना पिलाने का इनका देखना पड़ता टाइम सर, पानी पिलाने का टाइम इनका, मैं पूरा दिन तो डोल रखनी छोड़ता इनके पानी की, पानी पिला के हटा लेता हूँ। ओके, तो वैसे इनका फार्म खुलने वाला है बड़ोड़ा में, आप इनका शौक देखने चाहते हो तो यू कैन जी मेरे घर पे आइए आप, इफ यू वांट टू यू नो सी हिज गोट्स गिव हिम अ कॉल, द नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, एंड ही इज आल्सो थिंकिंग अबाउट सेटिंग अप अ फार्म। और पूरा कंसेप्चुअलाइज्ड है, खाली बस जगह मिलना बाकी है। वंस एवरीथिंग इज डन योर फार्म विल बी फाइनलाइज्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बड़ोड़ा। यस यस, राइट, गुड, फैंटास्टिक। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम आईडी क्या है? Kaif_Qazi, no numeric, कुछ नहीं, 444, Kaif_Qazi, get in touch with him, follow him on Instagram to check more of his pictures, not his pictures as such, खुद की भी डालता रहता है, because मैंने देखा हूँ ये खुद के vlogs भी बना के डालता है, बकरों के साथ, so what about them? वो भाई थोड़ा लॉकडाउन में शौक के लिए गया। ओके, ठीक है, बकरों की फोटो के लिए भी फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। जी भाई, यहाँ पर आना है तो पाली गेट, क्या बोला, पानी गेट, 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 पान